दिल्ली के जंतर मंतर पर बुधवार रात हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दी है और जांच शुरू कर दी है। यहां का जायजा लिया हमारी संवाददाता श्रुति झा ने। ये वो जगह है जहां से जो पहलवान है वो अंदर जाते हैं, जितने यहां से अंदर जाते हैं बैरिकेडिंग से। आप देख सकते हो कि यहां पर जो है बहुत प्रॉपर चेकिंग चल रही है, प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं बैगों की और लोगों की, उसके बाद जो है अंदर जाने की परमिशन ले रहे हैं। और आप देख सकते हो अगर भीड़ की बात करें तो कल के मुकाबले आज जो है भीड़ ज्यादा है। आप देख सकते हो कैसे चेकिंग चल रही है, अंदर दूसरी लिया जा रहा है, बैगों की चेकिंग चल रही है, बैगों की प्रॉपर चेकिंग करके अंदर जाया जा रहा है। तो कल रात को जिस प्रकार से यहाँ पर घटना हुई और जिस प्रकार से हिंसक झड़प हुई, उसी का कहीं ना कहीं ये पूरा जो है वो नमूना है। आपको अंदर भी उसमें दिखाए तो आप देख सकते हो कि भीड़ कितनी ज्यादा है और तमाम जो लोग हैं वो रेस्टोरेंट से पहुंचते आ रहे हैं, जो कल जहाँ लगातार यहाँ पर समर्थक से आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो रेस्टोरेंट है वो शांति से अंदर बैठे हुए हैं और बाहर जो है समर्थकों का अधिक लग रहा है, अंतर ज्यादा लग रहा है। और दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है, जो डिप्लॉयमेंट है दिल्ली पुलिस की वो बढ़ा दी गई है, जो सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी गई है। और ऐसे में सुबह सुबह स्वाति मालीवाल से मिलने पहुंचे, उनका कहना है कि स्वाति मालीवाल का कहना है कि कल यहाँ पर पहलवानों महिला पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है मैन हैंडल किया गया, सही से उनको जो है ट्रीट नहीं किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। तो अभी डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल यहाँ से निकली है और एक आपको यहाँ का नजारा दिखाते हैं कि भीड़ यहाँ पर कितनी ज्यादा है, यहाँ पे लोग कितने ज्यादा पहुंचे हैं। और जो अमूमन जो भीड़ पिछले 10 दिनों से चल रही थी उससे अगर बात की जाए तो उसमें कई तरह के मास्क देखने को मिलता है। मैं श्रुति क्या सोच लाइक सर।